हैदराबाद सैलानी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लॉकडाउन से मुतासिर 346 खानदानों में कासमाबाद के फ्लाईओवर पर राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर सैलानी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के रीजनल मैनेजर सर इम्तियाज, काउंसलर वार्ड नंबर 12, कासमाबाद म्यूनिसिपल कमेटी मेहर अली ऋषभ ने H22 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज फिर एक बार हैदराबाद पूनम फ्लाईओवर पर सैलानी वेलफेयर अपनी खिदमत सर अंजाम देते हुए आज 346 के करीब फैमिलीज ऐसी हैं जिनको आज इंशाल्लाह राशन दिया जाएगा। और ये टोटली कोलैबोरेशन है ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से, और उन्होंने एक बहुत बड़े ब्रिज का काम किया है जिस तरीके सैलानी एक ब्रिज का काम कर रहा है। मुखय्यर हजरात या डोनर हजरात से राशन लेकर और वो नीडी पर्सन में और उन अफराद तक पहुंचा रहा है जो कि इस कोरोना COVID-19 से मुतासर हुए हैं। इसी तरीके से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का भी एक बहुत बड़ा किरदार है कि ये एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 340 टोकन तकसीम किए हैं, और मगरब के बाद से जहाँ हमने 8 बजे का टाइम रखा था तो उसके बाद से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल टीम यहाँ पर लगी हुई है। बेसिकली आज जो एक सिस्टम है वो इस तरीके से किया गया है कि ज़िला इंतज़ामिया डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने एक वेब पोर्टल बनाया है। अगर किसी को राशन चाहिए होता है तो वो उस नंबर पे जाके वेब पोर्टल पे मैसेज करता है या कॉल करता है तो उसके रजिस्ट्रेशन वहाँ हो जाती है। एक मखसूस एक सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू वो क्वालिफाई करता है, देन उसको कॉल करके सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कॉल की जाती है और उनको टोकन के लिए बुला लिया जाता है। और टोकन जब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है तो उसको बता दिया जाता है कि आपको फलां जगह से आके आपको राशन लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से पहले भी हमने राशन ड्राइव की थी तो वो भी ज़िला इंतज़ामिया के एक ब्रिज के कोलैबोरेशन से की थी, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से आज हम 346 राशन जो है ना वो पीपल्स में इंशाल्लाह तकसीम करने वाले हैं। ये सैलानी की तरफ से राशन बट रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, और हम आवाम के साथ आए हैं, जो गरीब लोग हैं उनको साथ लेकर आए हैं जैसे उनके लिए भला हो सके, उनके लिए उनको राशन मिल सके। जैसे कि आपको पता है रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना वैसे ही भला रहा महीना होता है। ये तरीक़ेकार सही है, जैसे लोग मुख्तलिफ फासले में बैठे हुए हैं। हमारा कहना है कि अगर ये राशन घर बैठे मिल जाए, कुछ ऐसी फैमिली भी हैं जो बेचारी नहीं आ सकती और बाहर नहीं निकल सकती, उनको अगर घरों में मिले, मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करके उनको घरों तक राशन पहुँचाया जाए, जो ऐसी फैमिली है वाइट वॉश है जो बाहर नहीं निकल सकती। उन्होंने कहा सैलानी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट का निज़ाम बेहतर और खूब से बेहतर है, इसलिए ये राशन तकसीम करने की जिम्मेदारी सैलानी इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को दी जाती है। कैमरा टीम के हमरा आकिब रहीम, H22 न्यूज़ हैदराबाद।